तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 प्लाई की वूल का यूज़ कर रही हूँ। 3 प्लाई वूल है और 10 नंबर का क्रोशिया हुक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने घुमाया और चैन बना ली है ऐसे। तो ये हमारी नॉट लग गई, इसको हम खींच देंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे चैन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो 19 को मैं यहाँ पे फिंगर में दबा लूँगी। ठीक है, 20 हो गई, 21 22। अब ये 3 हमें स्किप करनी है और 19 जो चैन हमने यहाँ पे दबाई थी उसमें हमें क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो एक जो 3 की चैन है उसको भी काउंट करेंगे और इन बाकी 19 चैन हम इसमें बनाएंगे। 19 चैन में डबल क्रोशिया एक बार, तो ये टोटल हमारे 20 डबल क्रोशिया बनकर आएंगे। ये देखो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे ऐसे, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे मुझे सभी 19 चैन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी में एक बार डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। और यहाँ पे देखो 1 2 3 चैन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे, पास वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में लेंगे 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में देखो 1 बनाया, एक और यहीं पे बनाऊंगी इसी चैन में। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैन में बनाऊंगी 2 बार। सेकेंड राउंड में हमें हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 बनाया, उससे नेक्स्ट में भी 2 बार, 1 और 1 और 2, और इसी तरह से करके हमें राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड करेंगे, तो यहाँ पे 3 चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पास में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, उससे नेक्स्ट में 1 बनाएंगे और यहाँ पे हम 1 बनाएंगे। देखो यहाँ पे 2 हो गए हैं फर्स्ट चैन में। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 बनाया, फिर दूसरी में भी 1 बनाया और यहाँ थर्ड चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया और 1 बार और सेम यहीं पे बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। अब नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गए 2 बार, इसमें एक ही चैन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, सेकंड में भी 1 बार और थर्ड चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, यानी 2 टाइम्स हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से करके थर्ड राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ हमारे टोटल 50 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। तो देखो हमें, जैसे हमने यहाँ पे 2 चैन स्किप की थी ना, यहाँ पे हमें यहीं पे 1 बार और बना लेना है, तो यहाँ पे हमारे 51 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे नहीं बनाया हमने, तो मैं नेक्स्ट में यहाँ पे 1 और बढ़ा लूँगी नेक्स्ट राउंड में। ये देखो 1 2 3 मैंने चैन बनाई और यहाँ पे हम 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 1 यहीं पे बनाएंगे, तो ये 2 हो गए और नेक्स्ट में 3 और ये 4 और यहीं पे मैं 1 बार और बना लेती हूँ, तो ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट में सात और ये आठ। तो देखो आठ डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाए, एक यहाँ इंक्रीज़ कर लिया मैंने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 स्किप करेंगे और 10th में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे आर्म होल हो गया है, ये देखिए ये ड्रेस का आर्म होल हो गया। तो यहाँ पे 8 हो गए हैं और ऐसे ही 8 इधर हो जाएंगे और 9 बाजू के हो जाएंगे, 8 और 9 ये टोटल हमारे पास 17 हो गए, ठीक है। 17 8 और 9 17 हो गए और 17 हम पीछे बनाएंगे। तो ये 1 हो गया, ऐसे ही 2 3 4, ठीक है। इस तरह से 17 बना लेते हैं। तो देखो 3 पार्ट्स में हो गए, 17 यहाँ पे, 17 दोनों इधर और 17 इधर, 3 पार्ट्स में ये हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 17 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से बाजू की तरह 9 चैन स्किप करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और इस 10th चैन में हम डबल क्रोशिया डालेंगे, बनाएंगे सॉरी, ठीक है। ये हो गए डबल क्रोशिया और अब इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करके टोटल यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक लास्ट का 8। तो ये देखो इस तरह से ये हमारे दोनों बाजू हो गई, एक इधर एक इधर, और 8 16 इधर है हमारे पास, 17 इधर है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम 2 राउंड और बना लेंगे, 17 एक साइड है और 16 एक साइड है, सभी में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखो 3 चैन ली, वर्क को टर्न किया, पास वाली में ही एक बनाएंगे, यहीं पे एक नेक्स्ट वाली में बनाएंगे, एक उससे नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से करके सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये हमने आर्म होल बनाया ना, यहाँ पे भी इस वाले चैन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 राउंड बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए चोली को इस तरह से अटैच करेंगे, यहाँ पे 3rd चैन में हम इसको जॉइंट कर देंगे और हम स्लिप स्टिच करते हुए आर्म होल तक आएंगे, फिर अपना घेरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमें स्लिप स्टिच करना है, ऐसे ये देखिए यहाँ आ गए हैं। चोली हमारी बिल्कुल कंप्लीट है और दूसरे कलर से, जिस भी कलर से आप यहाँ पे हम करेंगे जो लगाएंगे, और आपको जिस कलर से करना है आप वो वाला कलर लगाकर यहाँ पे आउटलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम घेरा बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये मैंने एक चैन बनाई, लंबा सा कर लिया, ठीक है। इसको लंबा कर किया और जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं वही ऐसे किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार मैंने किया, चारों को एक ही साथ निकाल दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 2 2 यहाँ पे चैन बनाई और नीचे से नेक्स्ट वाली चैन, ये देखो इसमें तो बनाया है ये पफ, और ये मैं स्किप कर दूँगी और नेक्स्ट वाली चैन में फिर से हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। 1 बार लिया, 2 बार, 3 और ये 4, 4 टाइम हो गया। अब सभी को एक ही बार में निकाल देंगे, इसको भी, और यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे, एक चैन हम नीचे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में फिर से अपना पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन और ये चार। तो देखो 4 टाइम मैंने बनाया, सभी को एक ही बार मैं निकाल दिया और इसको लॉक किया। उसके बाद 1, 2, 2 चैन बनाई, एक चैन स्किप करेंगे नीचे से और नेक्स्ट चैन में फिर से बनाएंगे। 1, 2, 3 एंड ये 4। ठीक है, सभी को एक ही बार में निकाल देंगे, लॉक किया, ऐसे ही 1, 2 और इस तरह से करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए, ये जो हमने पहला पफ बनाया था इसके ऊपर एक चैन है और इस चैन में डालकर हमें अपने वर्क को जॉइंट कर देना है। ये देखो यहाँ पे मैंने 2 चैन बना रखी है ना, ये और ये वाली चैन हमें लूज बनानी है। तो ये देखो इस तरह से हमारा घेर जो है बैठना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बैठता है तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 चैन बना लीजिए। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने बना दिया है और यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, एक चैन बनाकर नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला। ये देखो इस तरह से, और इसको लंबा सा करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे ऐसे 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 बार मैंने इसको बनाया और ऐसे चारों को निकाला, ये मैंने बना दिया। एक चैन बनाएंगे और यहीं पे सेम चैन में जहाँ पे हमने एक बार बनाया यहीं पे हम एक बार और बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 चारों को एक ही साथ में निकाल देंगे। ये देखिए लॉक कर दिया, फिर से एक चैन बनाएंगे और अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों को एक ही बार में निकाल देंगे। एक ये बने, लॉक कर दिया मैंने, एक चैन बनाएंगे और यहीं पे एक बार और बनाएंगे। 1, 2, 3 और एक ये 4। ठीक है, चारों को एक ही बार में निकाल देंगे, मतलब एक पफ बनाकर एक चैन लेनी है हमें। ठीक है, एक पफ बनाया, चैन बनाई, उसी में एक बनाया, फिर एक चैन बनाई, फिर यहाँ पे 2 बार बनाने हैं। हर एक चैन में 2-2 पफ बनाने हैं और दोनों सभी के बीच में 1-1 हमें चैन बनानी है। इस तरह से करके राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने एक चैन बना ली है, ये देखो लास्ट में जो हमें एक चैन बनानी थी। और अब यहाँ देखो इस पफ के ऊपर, यहाँ ये पफ के ऊपर एक चैन है हमारी। ठीक है, इसमें हम डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पे वर्क को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब हमें फिर से वाइट वाला कलर लगाना है थर्ड राउंड में। तो कैसे करना है, यहाँ देखो ये मैंने ऐड किया इस तरह से और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैंने चैन बनाई। ठीक है, यहाँ पे 4 चैन बनाई और इन दोनों पफ को छोड़कर यहाँ सेंटर में हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। ठीक है, फिर से 1, 2, 3 ये देखो सिंगल क्रोशिया के लिए यहाँ पे मैंने एक चैन एक्स्ट्रा बनाई है, बाकी हमें 3 चैन बनानी है। ठीक है, और थोड़ी लूज बनानी है। अगर आप लूज नहीं बना सकते तो 4 बना लीजिए 3 की जगह। ठीक है, इस तरह से 3 चैन बनाई, फिर मैंने नेक्स्ट में इसको जॉइंट कर दिया। फिर 1, 2, 3 चैन बनाई और ये दोनों पफ छोड़कर नेक्स्ट चैन में यहाँ पे जो से एक चैन ले रखी है उसमें पर इसको सिंगल चैन से जॉइंट करना है। फिर से 1, 2, 3 एंड अगेन यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ठीक है, ये जो 2 पफ बना रखे हैं इनके बीच वाले पे चैन में हमें यहाँ पे, ये देखो इस तरह से हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे फर्स्ट चैन में हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो 1 2 3 मैंने चैन बनाई, फोर्थ राउंड स्टार्ट हो गया है। और ये देखो ये कलर मैंने यहाँ से कट कर दिया है ये वूल, तो ये देखो 1, ये इसको हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, और इसी के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और 1 और, ठीक है। तो ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बन गई। फिर से 1 चैन बनाएंगे और अब नेक्स्ट वाले में ये जो 3 चैन बनाई थी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 हो गए। फिर से 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया अगेन, ये देखो 2 हो गए। फिर से 1 चैन नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, 1 2, 1 चैन इसी में बनाएंगे, 1 2, 1 चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2, 1 चैन, 2 हो गई, 1 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से करके हमें मतलब यहाँ पे 4 बनाने हैं और बीच में 2 चैन, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, इस तरह से करके राउंड को कंप्लीट करना है। लेकिन इस वाले चैन में सिर्फ 4 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ठीक है ना। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और देखिए बहुत अच्छे से हमारा घेरा चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही हमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन क्रोशिया में है ये देखो बना रखी है। और अब यहाँ पे 3rd चैन में हम इसको राउंड को जॉइंट कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से अपना राउंड इस तरह से स्टार्ट करना है जैसे हमने ये फर्स्ट राउंड बनाया था। तो देखिए फर्स्ट राउंड में तो हमने चैन स्किप की थी, लेकिन यहाँ पे हमें चैन स्किप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही 2 राउंड ये बना रखे हैं, ये वाला स्किप होएगा, बस जो हमने चैन ली है उसी में हम अपना बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ स्लिप स्टिच से और अब यहाँ पर हम 1 ये मैंने ले लिया और 2 हो गए, 3 और ये 4, चारों को एक ही साथ में निकाल दिया। फिर 1 चैन बनाई और 1 और बनाई, ठीक है। 2 चैन बनाई, इसको स्किप कर दिया और नेक्स्ट जो ये चैन बनाई है इसमें हम बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो चारों को फिर से हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, वो सॉरी ऐसे निकाल देंगे सभी को और ये जॉइंट कर दिया, इसको लॉक कर दिया। फिर से 1 2 चैन बनाई और इसमें डालेंगे, सॉरी हमें एक ही चैन ले लेनी है, 1 चैन बनाएंगे यहाँ पे और ये स्किप करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है। फिर से 1 चैन लेंगे और अब 2 डबल क्रोशिया, इन दोनों के बाद ये जो चैन ली थी हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन लिया ना, उस चैन में हमें ये वर्क करना है। 1 2 3 4, चारों को निकाल दिया, लॉक किया, 1 चैन ली, फिर इनके यहाँ पे 2 के बाद इन दोनों डबल क्रोशिया को छोड़कर नेक्स्ट वाले में लेंगे ऐसे 1 2 3 4, लॉक किया, 1 चैन, फिर इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, सभी को एक ही बार में निकाल देंगे। फिर से 1 चैन, इस तरह से करके हमें अपना पूरा राउंड कंप्लीट करना है और देखो इस राउंड के बाद हमें क्या करना है, यही हमें पफ बनाने हैं, इसमें एक बनाना है, फिर एक चैन लेके फिर इसमें एक, फिर एक चैन एक, इसी तरह से हमें 3 राउंड करने हैं। ठीक है, इस वाले चैन में हमें फिर बनाना है, नेक्स्ट में फिर इसमें बनाना है, फिर इसमें बनाना है, फिर इसमें बनाना है, हर एक चैन में हमें पफ बनाना है, इससे नेक्स्ट राउंड जो होगा। और सबके बीच में एक एक चैन लेनी है, जैसे हम ये एक चैन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, इस तरह से करके हमें 3 राउंड बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है और इसको मैंने यहाँ पे जॉइंट भी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली चैन में हमें फिर से बनाना है, ये देखो 1 2 3 4, 4 बार किया, चारों को एक ही बार निकाल दिया। ठीक है, फिर से ऐसे ही एक चैन, ये लूज सी बनानी है हमें, अगर आप लूज नहीं बना सकते ना तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, है ना, ऐसे 2। ठीक है, फिर इस वाली चैन में बनाएंगे ऐसे ही 1 2 3 4। ठीक है, सभी को एक ही बार में निकाल दिया, फिर से 1 2, टाइट लेनी है 2, और लूज लोगे तो 1 ही काफ़ी होगी। अब इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, लॉक किया, एक चैन 2 चैन, ये लो। ठीक है, अब इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो मैंने बताया था ना पहले ही कि हमें हर एक चैन में एक पफ बनाना है और बीच में आप ये 2 2 ले लेना। ठीक है, एक नहीं तो 2 ले सकते हो, और लूज बना सकते हो तो 1 ही काफ़ी होगी, क्योंकि देखो एक चैन में ही देखो मेरा घेरा बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से करके एक ये राउंड हो गया। एक इससे अलग एक और वाइट कलर से बनाएंगे, उसके बाद सेम ऐसे ही राउंड हम इस कलर से बनाएंगे। ठीक है, तो इतना कर लेती हूँ मैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 राउंड वाइट के बनाए हैं क्रोशिये वाली लाइन के बाद, और एक राउंड मैंने ये वाला बनाया है। और देखो इनके बीच में तो हम 2 2 या 1 1 चैन रख रहे थे, यहाँ पे मैंने 4 चैन रखी है बीच में, मतलब चौथी चैन पे तो हमने ये बना लिया, 3 चैन बीच में रखी है। ठीक है, 3 3 चैन है इनके बीच में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे इस वूल को, और अब यहाँ पे हम अपना पिंक कलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कैसे करना है, अब कहीं से भी हम ऐड कर सकते हैं पिंक कलर को। ठीक है, तो ये देखो दो 3 मैंने चैन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, एक ये 3 की चैन बनाई और एक ये डबल क्रोशिया बनाया, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। उसके बाद ये देखो 1 बार 2 बार मैंने यहाँ लिया, ऐसे निकाला, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, तो ये हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गया। ठीक है, तो एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया है। अब एक बार और बनाएंगे, ये 2 बार लिया मैंने, बन लिया और यहाँ पे डाला, ऐसे 2 निकाले एक साथ, फिर से 2 निकाले एक साथ, और अब 2 निकाले एक साथ, तो 2 डबल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 चैन लेंगे, फिर से यहाँ पे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ये देखो 1 बनाया, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, फिर से लेंगे 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला। ठीक है, अब देखो 2 डबल क्रोशिया थे, 2 ट्रिपल क्रोशिया, तो यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और बनाएंगे। ये देखो हो गया। अब हमें ये वाला स्किप करना है, ये चैन स्किप करनी है, इसमें बनाना है डायरेक्ट। और यहाँ पे कुछ भी हमें चैन वगैरह नहीं बनानी, डायरेक्ट बनाना है। ये देखिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे हमने बनाया डबल क्रोशिया, एक बनाया, उसके बाद दो बनाए, दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर से दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी दो बार लेना है, ये देखिए दो बार लिया। तो अब दो बार यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक ट्रिपल क्रोशिया, और अब ये हो गए हमारे दो ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद एक दो दो चैन बनाएंगे एंड फिर से हम यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार निकाला, फिर से दो बार लपेटा और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, दो ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और एक ये दो बनाए, दो हो गए। फिर से एक चैन हम ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बना लेंगे, कुछ नहीं। यहाँ बीच में हमें यहाँ पे देखो चैन वगैरह हमने कुछ भी नहीं ली है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये एक हो गया, दो हो गए, अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया, उसके बाद एक दो, दो चैन, फिर से दो डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया में दो बार लेते हैं, वो सॉरी ट्रिपल क्रोशिया में दो बार लेते हैं, एक ट्रिपल और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, दो हो गए। अब फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे, दो हो गए। अब इसको स्किप करेंगे और इस वाले में बनाएंगे। तो ऐसे ही करके हमें अपना पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। ये देखिए ठीक है। तो देखो इस तरह से दो डबल क्रोशिया, दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर दो ट्रिपल, दो डबल, फिर ये वाली चैन, एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में जाएंगे, दो डबल, दो ट्रिपल, दो चैन, दो ट्रिपल, दो डबल क्रोशिया। इस तरह से करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, सभी में मैंने ये बना दिए हैं। अब देखो लास्ट में आ रही हैं और यहाँ पे हमें थर्ड चैन में इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। जो हमने तीन चैन बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उसी में हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। ठीक है, एक बार स्लिप स्टिच और कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें वाइट कलर ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से वाइट कलर ऐड करेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसी चैन में ऐसे डाला और दो से एक बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट चैन में डालेंगे और इनको दबाकर चलेंगे साथ में। ये डाला, दो से एक बना दिया। ये हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अब हम सेंटर में आ गए हैं, जो हमने दो चैन बनाई थी वहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे मैंने एक बना दिया है और ये दो बना दिए और एक बार और यहीं पे बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ सेंटर में हमें तीन बनाने हैं। ठीक है, अब इनको छोड़ देंगे, काट देंगे इसको। ये देखिए तीन बन गए हैं। अब हम यहाँ नेक्स्ट चैन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखो अब हम यहाँ इन दोनों के सेंटर में आ गए। यहाँ पे हमने कुछ नहीं छोड़ा था, ये डबल क्रोशिया बना के डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ किया था। और ये जो चैन है हमारी, जो हमने यहाँ छोड़ी थी, इसको हम ऐसे यहाँ से उठाएंगे और इन दोनों को लेकर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें बनाना है। थोड़ा लूज रखेंगे इसको। आगे अब फिर से नेक्स्ट चैन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। अब देखो अब हम यहाँ पे आ गए हैं सेंटर में फिर से, तो यहाँ पे एक, दो और एक बार और तीन। ठीक है, थोड़ा लूज लूज हमें बनाने हैं ये ऐसे। तीन तीन बनते हैं और तीन बीच में बनते हैं, तीन साइड में, और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे उठाकर हमें थोड़ा लूज बनाना है। ये देखो तीन बनाए, फिर से सेंटर में आ गए, एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपना वर्क करना है कंप्लीट। तो चलिए कर लेती हूँ इस राउंड को कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करके मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसको। अब देखो अब हमें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यही डिज़ाइन हमें यहाँ पे बनाना है, तो हमारे जो है लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाला कलर हमें लगाना है। लगाना कैसे है, ये देखो जहाँ पे हमने ये जॉइंट कर रखा है, ये देखो ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, ये वाइट वाइट जो जॉइंट है, यहाँ पे हमें इसको करना है। कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, एक, दो, तीन। तीन मैंने चैन बनाई और तीन चैन बनाकर इसको हमें अगले पे, ये देखो यहाँ पे, ये मतलब दो पफ के बाद ये जो है इसमें हमें चाहे आप यहाँ पे सीधा भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले चैन में हमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर से 1, 2, 3 चैन बनाई और ये वाली नेक्स्ट दो पफ के बाद 3 चैन बनाकर दो पफ के बाद यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। फिर से 1, 2, 3 तीन चैन बनाई। लूज लूज बनानी है, नहीं बना सकते तो इस तरह से 4 बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें ये देखिए दो पफ के बाद, ठीक है, ये देखो मैं दिखा दूँ, ये दो पफ है। उसके बाद ये देखो वाइट वाला है हमारा, जो हमने ये चैन जॉइंट की थी पहले बनाई थी, और इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करना है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है, 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट वाले में दो पफ के बाद स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है, 1, 2, 3, 4 और इन दो पफ के बाद हमें नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। इसी तरह से करके हमें राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट कर दिया है और देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस वाली चैन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना वर्क करेंगे। पहले इसको एक नोट लगाकर कट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पिंक कलर से वर्क करना है। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया। अब हमें पिंक कलर लगाना है। तो देखिए यहीं से हम अपना पिंक कलर स्टार्ट कर देंगे। कहीं से भी कर सकते हो, यहीं से कर दूंगी, ये दब जाएंगे साथ के साथ। ये देखो, ठीक है, ऐड किया, 1, 2 और एक, 3। 3 चैन बनाई, 3 चैन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार हमें निकालना है, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। एक और बनाएंगे, एक बार निकाले, 2 बार निकाले और ये 3 बार निकाला। अब 2 चैन बनाएंगे। अब फिर से 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 बार निकाला। फिर से ट्रिपल, एक बार, दो बार, तीन बार। अब दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया में दो ही बार निकलता है ना, ये देखो, ठीक है। अब फिर से जैसे हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे एक चैन स्किप की थी ये वाली, इसी तरह हम ये एक थ्री की चैन जो है, फोर की चैन जो ले है, थ्री या फोर ले सकते हो आप, ये स्किप करके और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो नेक्स्ट चैन है हमारी, इसमें बनाएंगे, फिर ये चैन स्किप करेंगे, फिर इस वाली चैन में बनाएंगे, इसी तरह से सेम। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, अब एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए। अब दो चैन, फिर से दो बार ट्रिपल क्रोशिया, एक और ये दूसरा, ठीक है। और अब दो डबल क्रोशिया, एक बनाया, एक और, ये हो गए दो डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से बनाकर, इस तरह से बना लेंगे। और फिर सेम जैसे हमने वाइट कलर से ये किया है, ये फिर ये हमें कर लेना है। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, वो बना दिए हैं आउटलाइन, और बहुत प्यारी हमारी ड्रेस बनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।